परासिया के जंगल में मिला एक अज्ञात शव पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि किसी युवक की हत्या कर उसका शव बोरी में बंद कर जंगल में फेंका गया है। परासिया के उमरेठ क्षेत्र में मुख्य सड़क से लगभग 40 फीट दूर जंगल में बोरी में बंद अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। रिजर्व फॉरेस्ट के चौकीदार गश्त करने गया था, तभी उसे जंगल में तेज दुर्गंध आई। पास जाकर देखने पर पता चला कि बोरी में बंधी हुई एक लाश है। चौकीदार ने वनरक्षक एवं बीटगार्ड को मौके पर बुलाया। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस अधीक्षक SDOP सहित पुलिस बल ने मामले की जांच शुरू की। मृतक कौन है ये पुलिस के लिए अभी पहेली बना हुआ है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। 5 बजे कक्ष क्रमांक 570 रिजर्व फॉरेस्ट में यहाँ का चौकीदार मान सिंह जो है गश्त करने के लिए जंगल में आया था। जब जंगल में गश्त कर रहा था तो ये माता कुल जाने वाली कच्चे मार्ग पर इसको दुर्गंध आई, तेजी से दुर्गंध आई। जब जाके देखा पास में दुर्गंध किस चीज़ की है, तो वहाँ एक बोरी के अंदर अज्ञात व्यक्ति की लाश भरी हुई पड़ी हुई थी। ये तत्काल वहाँ से रोड में आए और अपने वन रक्षक जो है बीट गार्ड उसको सूचना दिए मोबाइल से कि साहब आप यहाँ जाइए, जंगल में एक लाश पड़ी है। बीट गार्ड सौरभ सिंह चौहान मौके पर आकर देखे, फिर इनके द्वारा 100 डायल को सूचना दी गई। 100 डायल की सूचना के माध्यम से यहाँ चौकी प्रभारी कन्हरगांव, थाना प्रभारी उमरेठ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय SDOP महोदय परासिया मौके पर आकर अज्ञात शव के संबंध में जानकारी एकत्र किए। अभी तक की जाँच में अज्ञात शव का जो है पहचान कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी मर्ग क्रमांक 0/2020 एवं अपराध क्रमांक 0/2020 धारा 302-201 का अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।